अजारा नगर निगम में मेयर इंदु देवी के अलावे उप महापौर पूनम देवी ने भी पदभार ग्रहण किया। वहीं डिप्टी मेयर ने कहा कि अब हर क्षेत्र का विकास होगा। अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पूर्व डिप्टी मेयर पूनम देवी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद कार्यालय में प्रवेश किया। उन्हें आशीर्वाद देने के लिए उनके पति समाज सेवी सरोज सिंह के अलावे आरा विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। वहीं नगर निगम के नगर आयुक्त ने नवनिर्वाचित डिप्टी मेयर को बुके देकर सम्मानित भी किया। डिप्टी मेयर ने बताया कि किस तरह से शहर का विकास हो इस पर कार्य किया जाएगा। कई कार्य जो शहर में नहीं हुए हैं उसको पहले कराया जाएगा। शहर में कई ऐसे कार्य हैं जिनकी जरूरत है, जैसे नाले की उड़ाही का कार्य, नाला निर्माण, सड़क निर्माण, शौचालय निर्माण सहित अन्य कार्य कराए जाएंगे। आरा नगर निगम प्रगति के स्तर पर चलेगा और अब आरा स्मार्ट सिटी, स्वच्छ और स्वस्थ दिखेगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सभी लोगों का, माताओं की तरफ से आशीर्वाद है। मुझे इतना खुशी हो रही है कि मतलब उसका कोई हिसाब नहीं है, उसका कोई मतलब मुकाबला नहीं है। उसके साथ मैं जनता को प्रणाम करती हूँ। सभी जनता मुझ पर विश्वास की है और जनता का मैं विश्वास को जीतने की कोशिश करूंगी और अपने पति और अपने पूरे परिवार के साथ भगवान रूपी जनता को भी प्रणाम करती हूँ। उनके उपेक्षा से मैं अब उनके अपने कुर्सी को, अपने पद को संभाल रही हूँ। उनको उस कुर्सी को बहुत इज्जत देने की कोशिश करूंगी। इससे ज्यादा और क्या कहूँ। धन्यवाद। चलिए चलिए आइए, वो छोड़िए। आपकी पत्नी ने पदभार भी ग्रहण कर लिया, अब आरा का किस तरह से विकास होगा? अरे आप लोग के चैनल के तरफ से हम भगवान रूपी जनता को प्रणाम करते हैं और अभिनंदन करते हैं। देखिए हम लोग का एजेंडा विकास का ही, विकास हमको करना है जितना आराम विकास हो सके। इतने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और भगवा रंग भी दिख रहा है। देखिए पहले भ्रष्टाचार था आरा नगर निगम में, इसी लेकर हम लोग भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए विधि विधान से पूजा करा के हम लोग यहाँ प्रवेश किए हैं कि यहाँ जो जो भी भ्रष्टाचार हुआ है उसको हम लोग पूजा से खत्म करते हैं। टीम को लेकर यह जनता की जीत है, डिप्टी मेयर और मेयर की जीत, और वार्ड पार्षद मेरी पत्नी बनी है। पूरी उम्मीद जनता के विश्वास पर खरी उतरने की प्रयास करेंगे और हम उनके सहयोग में हमेशा हाजिर रहेंगे और प्रयास करेंगे। लगता है कि इस बार नया आरा देखने को मिलेगा लोगों को? निश्चित यह विश्वास हमको भी लगता है कि जो डायरेक्ट जनता चुनने का अधिकार मिला है मेयर और डिप्टी मेयर का, उससे लगता है कि आरा का स्वर्गीय विकास।